रामपुर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता है। बेखौफ बदमाश सरेआम सड़कों पर दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। रामपुर में बाइक सवार बदमाशों ने शहर की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार दो बदमाशों ने दिन दहाड़े पहले बैंक जा रही एक महिला को निशाना बनाते हुए महिला से नकदी से भरा पर्स और कुंडल छीने और फरार हो गए। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई। अच्छा, पंजाब में आ रही हूँ तो पंजाब बैंक की किताब भी आपकी। अच्छा, अब कह रहा कि एक मेरे लड़के की किताब है, एक मेरी किताब है और पागल हो गया। अच्छा, और उसमें कुंडल 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 दर्द ही लेगा, खींच के ले गया दोनों। दूसरी घटना थाने के गेट के ठीक सामने की है, जहां बाइक सवार दो युवक थाने के गेट के सामने स्थित मोबाइल की दुकान पर हेडफोन खरीदने आए। युवकों ने दुकान स्वामी से उसके फोन में ही हेडफोन चेक कराने की बात कही। इसी दौरान जब दुकानदार युवक को हेडफोन चेक कराने लगा तो बाइक सवार युवक एकदम से दुकान स्वामी के हाथ से मोबाइल झपट कर फरार हो गए। रामपुर थाने के मेन गेट पर स्थित दुकान से दिन बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि बाइक सवार जिस चौराहे से होकर गुजरे वहां पुलिस की तैनाती भी रहती है, लेकिन इन वारदातों से ये कहना गलत नहीं है कि धामपुर में बदमाशों को अब पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। धामपुर से केशव चौहान की रिपोर्ट। नितिन बिश्नोई, मेरे पास दो लड़के आए, एक लड़का आया था सुबह, उन्होंने कहा उससे डाटा केबल चाहिए। मैं डाटा केबल दिखाई और इतने में उन्होंने कहा पैसा काटने के लिए, तो पीछे से लड़का आया बाइक से मोबाइल चेंज करा दो, उन्होंने चेक कराने के, मेरा उनके पास फोन नहीं था कि अपने फोन में चेक कर दो, उसके बाद लेके चले। कितनी कीमत का मोबाइल होगा? साढ़े सात, खाने के सामने।